नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल गेम ऑन। तो आज का मेन एम हमारे वीडियो का ये है कि हम क्वीन वॉक लावालून वॉर अटैक स्ट्रेटजीज दिखाएंगे, बट उसके पहले लेट्स डू सम फार्मिंग। तो ये बेस मिल चुका है हमें, सो फटाफट ये फार्म कर लेते हैं बेबी ड्रैग पनलिंग के लिए, फिर क्वीन और हीलर्स। 3000 डार्क एलिक्सर है, वही हमारा मेन टारगेट रहेगा। वॉल ब्रेक कर एक पहले डाला, क्वीन पे यहाँ पर रेज जरूरी था। फिर कुछ वॉल ब्रेकर्स, ये वॉल ब्रेकर्स हमारे साथ ही नहीं रहते कभी भी, या दुश्मनी है इनका क्या पता नहीं मुझे तो। ठीक है चलो, थोड़ा तो अच्छा काम कर दिया। यहाँ पर एक बेबी ड्रैग आएगा, अभी क्वीन ऑन किंग होगा शायद। अभी होगा, मैं शायद रेज का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। हाँ पहले इसको फ्रीज करना तो ज़रूरी है। एयर डिफेंस जल्दी, हाँ हो गया। क्वीन हमारी गलत डायरेक्शन में चली गई है, डार्क एलिक्सर स्टोरेज पे नहीं गई हमारी क्वीन। देखते चलो क्या होता है अभी। अच्छा अच्छा चलो, क्वीन वापस घूम रही है थोड़ी। ओके, अच्छा हुआ, स्टोरेज तो डाउन कर देगी क्वीन। एक रेज क्वीन पर, फिर टाउन हॉल भी मिल जाएगा हमें। तो दो स्टार्स तो सिंपल है इस पेज पे। टाउन हॉल गया अभी, तो फिर अब हमारा काम तो हो गया है इस पेज पर। दो स्टार्स मिल चुके हैं एंड 3000 डार्क एलिक्सर मिल गया है। तो ये अटैक के बाद हम फटाफट दो रिप्लेस देखेंगे क्वीन वॉक लावालून स्ट्रेटजीज के। तो एज यू कैन सी, मैंने टाउन हॉल अपग्रेड पे डाल दिया है। क्वीन लेवल 30 है, किंग का तो अपग्रेड्स ऑन ही है। तो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे बहुत सारे एंड क्लैन गेम्स आर अबाउट टू बिगिन। सो नाउ वी विल गेट टू टाउन हॉल 10 इन 6 डेज। तो चलिए देखते हैं एक क्वीन वॉक लावालून वॉर अटैक। ये TH9 का बहुत ही कॉमन बेस लेआउट है एंड मेरी क्वीन 27 लेवल की है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना अटैक है। सो क्वीन लेफ्ट साइड से आएगी किंग के तरफ से, उसके साथ हीलर्स, पनलिंग के लिए एक बेबी ड्रैग और एक सेकंड बेबी ड्रैग बॉटम साइड में आएगा डार्क एलिक्सर कलेक्टर के वहां पर। फिर यहां पर आएंगे वॉल ब्रेकर्स। अभी सीसी ट्रूप्स को ट्रिगर किया क्वीन ने, क्वीन पे एक रेज एंड पॉइजन स्पेल सीसी ट्रूप्स पे। तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी में वी ट्राई टू गेट एटलीस्ट 2 एयर डिफेंसेस, जो कि ये क्वीन हमारे इस अटैक में कर देगी। ये एक एयर डिफेंस गया, अब हमारे क्वीन सेकेंड एयर डिफेंस भी ले लेगी। सबसे मेन बात तो है कि ये स्ट्रेटजी पेशेंटली यूज करनी पड़ती है बहुत ही, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 1 मिनट से ज्यादा हो गया है हमारे अटैक में एंड अभी हमारे लावा आ जाएंगे दोनों एंड लून्स तो स्पैम कर दिए मैंने। तो अभी क्वीन वहां पर काम करती रहेगी अपना, और लावा एंड लून्स अपना काम कर देंगे फटाफट।
अगर आपकी क्वीन 25 या उसके ऊपर की रहेगी तो ये स्ट्रेटेजी TH9 पे बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली इन वॉर अटैक्स। तो ये यहाँ पर सेकेंडरी डिफेंस डाउन एंड तो आप देख ही सकते हैं कितना इफेक्टिव अटैक था ये हमारा। 3 स्टार तो श्योर मिल जाते हैं TH9 पे। तो हमारे आर्मी में एक लावा हाउंड है, 18 बलून्स है, 2 बेबी ड्रैग्स, 4 हीलर्स और 5 वॉल ब्रेकर्स एंड 7 मिनियंस क्लीनअप के लिए, एंड उसके साथ ही CC में एक पॉइजन स्पेल और एक अच्छे लेवल का लावा। स्पेल्स में 3 रेज और 3 हेस्ट काम कर देते हैं हमारा। टॉप साइड से अटैक करेंगे हम यहाँ पर, 2 बेबी ड्रैग्स है वो फंदेलिंग के लिए है सिर्फ, क्वीन और 4 हीलर्स। ये बहुत ही पेशेंटली यूज करने वाली स्ट्रेटेजी है। टॉप साइड से हमने इसलिए अटैक किया क्योंकि वहां पर एयर डिफेंसेस को क्वीन अटैक इजीली कर सकती है। फिर अभी वॉल ब्रेकर्स डालने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। यहाँ पर एबिलिटी यूज हो जाएगी क्वीन की क्योंकि ओपोनेंट क्वीन भी टारगेट की कर रही है हमारे क्वीन को। देखते हैं क्वीन बराबर कैसे दोनों एयर डिफेंसेस ले लेगी। अभी देखिएगा, एक रेज कर दिया क्वीन पर। और जब भी ये रेज डालते हैं ना हम, तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वीन एंड हीलर्स दोनों रेज स्पेल के अंदर आने चाहिए। तो ये ड्रैगन CC से आया था, उसके ऊपर पॉइजन स्पेल डाल दिया है हमने। सेकेंड एयर डिफेंस भी क्वीन ले लेगी यहाँ पर। तो अभी क्वीन को अपना काम करने देते हैं और यहाँ से हम लोग लावा हाउंड्स एंड लून्स डाल देंगे। क्वीन हमारी वॉल पे फंस गई है। यहाँ पर रेज आएंगे, दोनों एयर डिफेंसेस इजीली डाउन हो जाएंगे। अभी तो आप देख ही सकते हैं कितना इफेक्टिव और पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये TH9 के बेस के लिए। बस पेशेंटली अटैक करना पड़ता है हमें। 3 स्टार्स तो फिक्स है। फिर लेवल 25 की क्वीन होती तो भी इस बेस पे हो ही जाता 3 स्टार्स। इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। सेम आर्मी थी ये भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल गेम ऑन।